हेलो दोस्तों, आपसे क्या स्वागत है हमारे चैनल में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जियो टावर इंस्टॉलेशन के बारे में। तो दोस्तों, आप घर बैठे जियो टावर अपने ज़मीन या फिर अपने बिल्डिंग में लगवा कर पैसा कैसे कमा सकते हो। बात आती है जियो टावर इंस्टॉलेशन की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में, यहाँ पर जियो टावर के लिए यहाँ पर अपने फ़ोन में आपको माई जियो डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो है आप माई जियो के थ्रू जियो टावर इंस्टॉलेशन का जो एप्लीकेशन है यहाँ से भर सकते हो। आइए दोस्तों, कैसे भरेंगे यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं। आपको अकाउंट जो है साइनअप कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर थ्री ऊपर वाली लाइन पर क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो जो इतना ऑप्शन है, इसमें से आपको पार्टनर विथ जियो पर क्लिक करना है। जैसे ही पार्टनर विथ जियो पर क्लिक करेंगे, नया पेज आपके सामने खोल जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पर लिखा गया है पार्टनर विथ जियो टू मेक द नेटवर्क स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर इफ़ यू हैव स्पेस ऑन योर लैंड और बिल्डिंग वेयर वी कैन इंस्टॉल टावर एंड प्लीज़ प्रोवाइड योर डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो ज़मीन है, ये लैंड मतलब प्लॉट है या फिर आपके पास बिल्डिंग है, आप किस लिए अप्लाई करें। अगर आपके पास बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग सेलेक्ट करेंगे, लैंड या प्लॉट होगा तो उसे ऊपर में क्लिक करेंगे। नीचे में आई एग्री टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर क्लिक करके पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप प्रोसेस कीजिए। अब यहाँ पर जो आपको पिनअप करना पड़ेगा, जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर एक मैप ओपन हो जाता है। मैप में आपको यहाँ पर पिनअप करना पड़ता है। तो पिनअप आपके जो एरिया होंगे वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्या करो, अपना जो भी आपके करेंट लोकेशन है यहाँ पर क्लिक कर लो, या फिर वो नहीं आता है तो आप अपने जो एरिया का पिन कोड है वो डालो। तो दोस्तों यहाँ पर पिन जो है आपका जो भी लैंड है वहाँ पर आपको पिन करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने जो भी करंट लोकेशन उसे आप खोल कर देख लो, उसके बाद जो अगर आपको लगता है तो यहाँ से चेंज पर क्लिक करके आप उसके जो भी डिटेल है वो आप चेंज कर लो, कंफर्म पर क्लिक कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज आता है, नेक्स्ट में आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है, ठीक है, आप वहाँ पर क्लिक कर दो। आप कोई भी नंबर यहाँ पर जो दे सकते हो। जैसे ही यहाँ पर करोगे आपको मोबाइल पर OTP आता है, OTP यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अगर आपको ये नहीं आता है तो थोड़ा सा बैक करके फिर से करो, यहाँ पर आप सबमिट करो, ये खुल जाता है। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए यहाँ पर लिखा जाता है, तो प्रॉपर्टी ओनर कौन है, ठीक है, आप है और आप जो नाम है वो आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के ओनर है उनको नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके बाद लैंडमार्क में क्या लिखोगे, लैंडमार्क में कुछ नहीं लिखना है आपको, अगर है तो लिख दीजिए। अगर बगल में मंदिर या फिर स्कूल या वगैरह है तो हम लिख देते हैं। लिख देते हैं, चलिए स्कूल है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो एरिया का डिटेल है वो आपको लिखना है। तो एरिया कितना है, कितना भी कर लीजिए ये। तो हमारा जो है 10,464 जो है स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए था वो हो गया। अब यहाँ पर लैंड का जो है गवर्नमेंट, यहाँ पर देख सकते, तो रोड जो है गवर्नमेंट है यानी फिर, या फिर अनुदान है। तो यहाँ पर रोड है बगल में, तो यहाँ पर रोड के द्वारा है। और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करोगे देख सकते हो प्रॉपर्टी हैज बीन डिटेल सबमिट सक्सेसफुल। और यहाँ से जो है एप्लीकेशन नंबर आपका मिल जाता है, मोबाइल नंबर यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ से आपका जो है यहाँ पर हो गया। अब इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे रख सकते हो एंड डन पर क्लिक कर सकते हो। अब देख सकते हो दोस्तों, ये आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो गया आपके घर बैठे। और इस तरह से आप अपने जो है अपने लैबिन में यहाँ पर लगवा सकते हो। और इसके डिटेल के लिए आप यहाँ पर, आपको एक नीचे में ईमेल आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप उससे कांटेक्ट कर लियो और वहाँ से आपका जो भी है डिटेल प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपका कोई फेक लगता है तो वहाँ पर आप ईमेल के थ्रू जाए, फिर अपने जियो कस्टमर केयर से बात करके, अगर आपको लगता है कि कोई आपको साथ फेक काम कर रहा है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया, आपसे बात किया जा रहा है, तो आप पहले कन्फर्म हो जाओ, अपने जियो कस्टमर केयर से बात कर लो, वहाँ से आप कन्फर्म हो जाओ,